नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A53 2020 वर्सेस Tecno Spark Go का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A53 2020 में 6.45 इंच जबकि Spark Go में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A53 2020 में 2.96 इंच जबकि Spark Go में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A53 2020 में 0.33 इंच जबकि Spark Go में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A53 2020 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A53 2020 में 186 ग्राम जबकि Spark Go में 193 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A53 2020 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Oppo A53 2020 में IPS LCD जबकि Spark Go में TFT की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A53 2020 में 6.5 इंचेस जबकि Spark Go में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A53 2020 में 82.87% जबकि Spark Go में 81.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A53 2020 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Spark Go में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A53 2020 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रॉन कैमरा देखने को मिलता है। और Spark Go की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A53 2020 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Spark Go की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A53 2020 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Spark Go में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A53 2020 में Adreno 610 जबकि Spark Go में Power GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A53 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 और Spark Go में MediaTek Helio A20 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Spark Go में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Spark Go में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 Qt देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,180 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें स्पार्क गो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 7,299 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A53 2020 में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क गो की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में ओप्पो A53 2020 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ओप्पो A53 2020 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है, दूसरा Moto G9 है, तीसरा Vivo Y12s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M31 Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।